हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं वेलिंगटन लेक, जिसकी दूरी कुनूर बस स्टैंड से 4 किलोमीटर और ऊटी सिटी से 16 किलोमीटर है। ये लेक कैंटोनमेंट एरिया में है और अभी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। एंट्री पे एक टिकट काउंटर है जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। और इससे पहले कि हम टिकट लें, पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाऊँगा, ये लेक कैसी दिखती है। तो लेक काफ़ी सुंदर है और इसकी मेंटेनेंस भी आर्मी ही करती है। और दोस्तों, हम अभी थोड़ी देर में पैडल बोट राइड करेंगे। हमने टिकट ले लिया है और हम अब जा रहे हैं यहाँ की पैडल बोट राइड लेने। यहाँ पर राइड के लिए 4-5 बोट ही हैं। ये जगह ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है, जिसके कारण यहाँ भीड़ भी कम है। चलो दोस्तों, अभी मैं बोट राइड लेता हूँ। टिल देन यू एंजॉय द व्यू। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि झील बहुत ही छोटी है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्स को काफ़ी क्लोज से देख पाएंगे। रवि, डक्स को देख के आपको क्या लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है और डक्स भी व्हाइट कलर के हैं। और मैंने ये पढ़ा है कि ये झुंड में इसीलिए चलते हैं बहुत सारे एनिमल्स, ताकि वो सेफ फील कर सकें। रवि, इनकी एक्टिविटीज आपको कैसी लग रही हैं? ये तो बहुत मज़ेदार लग रही है, मन कर रहा है मैं भी ऐसे कर सकूं, क्योंकि इनको तो ठंडी लग रही है और को तो बहुत ठंड लगती है। दोस्तों, यहाँ पे 4-5 पैडल बोट ही हैं। इसी के कारण यहाँ पे जो राइड का टाइम है वो 15 मिनट्स फिक्स करके रखा है। अगर आप इससे ज़्यादा बोट राइड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। हाउएवर, ये कोशिश रहती है इनकी कि ये बोट 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बोट राइड का आनंद ले सकें। दोस्तों, अभी हमारा 15 मिनट्स कंप्लीट होने वाला है और हम अभी वापस जाएंगे और मैं आपको लेके जाऊंगा झील का एक पूरा चक्कर लगाएंगे और यहाँ पे बाकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दिखेंगी। दोस्तों, बोट राइड अब ख़त्म हो गई है। हम अभी जाएंगे झील का एक चक्कर लगाने। तो यहाँ पे हमें एक डॉग दिखा है, इसका नाम मेरे बेटे रवि को पता है। रवि, बताओ इसके बारे में कुछ। ये इस डॉग का नाम ऑस्कर है और ये मेरे को तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। चलो ठीक है, आप देख ही रहे होंगे कि डॉग कैसे एंजॉय कर रहा है, बच्चों के पीछे भाग रहा है, लेडीज़ के पीछे भाग रहा है। तो हम अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है, जो एक वुडन ब्रिज है, इस पे हम अभी क्रॉस करके जाएंगे दूसरी तरफ। और ऊपर से जो डक्स आपको दिख रही हैं, इसका जो व्यू है एक हाइट से और भी सुंदर लगता है। दोस्तों, झील के सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी रॉक्स रखी हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स इस एरिया में मिलती हैं, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे
लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डिस्प्ले किया गया है। तो मैं अभी अपने बेटे रवि से पूछूंगा उसको कैसा लग रहा है ये। ये तो मेरे को बहुत मज़ेदार लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार इतने सारे रॉक्स देखे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि पार्क में बेंचेस भी लगे हुए हैं, जब लोग वॉकिंग करके थक जाएंगे तो यहाँ पे आराम कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स और लैंडस्केपिंग करके रखी है और ये सब बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर आएँ, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है, यहाँ पे खाने पीने की ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे नहीं हैं तो मैं आपको ये जगह रिकमेंड नहीं करूँगा, तो आप किसी और जगह चले जाएं। यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट केज भी है जिसकी तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं और इस रैबिट केज में मेरे बेटे ने बहुत ही इन्जॉय किया। इसने रैबिट्स को बहुत सारी घास खिलाई और अभी ये बिजी है इनको देखने में और इनके साथ खेलने में। अगर आप इस लेक में विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ की एंट्रेंस टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप आने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है पर हम सोच रहे थे कि बिफोर वी लीव दिस प्लेस एक बार थोड़ी सी झलक ले लें म्यूज़िकल फाउंटेन की। तो इसका आप नज़ारा लीजिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।